सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है संडे और हम फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए एक संडे राइड की वीडियो। तो आज हम निकल रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे के समथिंग, और इस टाइम आप यहाँ का एक बार वेदर देखिए कैसा चेंज हो रखा है, और ये देख सकते हैं। और अभी सूरज देवता आ रहे हैं। तो आज की संडे राइड होने वाली है मसूरी की। तो गाइस सारे राइडर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप। तो आज की राइड को कंटिन्यू करते हैं और मज़ा लेंगे आज की राइड का, फुल भपका। सब में एक एक्साइटमेंट है सुबह सुबह फुल एनर्जी के साथ। तो आज का नज़ारा देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और इस टाइम सबके सब ने गाड़ियाँ फेर रखी है, फुल जोश में है लौंडे। बस आप सामने का नज़ारा देखिए, क्या मस्त नज़ारा हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा मस्त, और यहाँ पर पूरा आनंद लेते हुए। और आज फॉग कुछ ज़्यादा ही है रोड पर। तो आज की जो मॉर्निंग लाइट है वो अभी से बहुत ही मस्त लगने लगी है। वेदर को देखकर देख सकते हैं आप कितना मस्त वेदर हो रहा है। ये वो बिलिया लग रही है यहाँ पर, बहुत ही शानदार ब्लॉक की सुन। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा आज के ब्लॉग में। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए मैं आज का आपको टॉपिक बताता हूँ। तो आज जा रहे हैं हम मसूरी द लाई हिल्स। तो वहाँ का जो वेदर है वो आज बहुत ही मस्त हो रहा होगा, क्योंकि रात के टाइम पे हल्की हल्की बारिश का मौसम था, तो काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा होगा। तो गाइस बस फिल अप करा लिया और अब हम यहाँ से चल रहे हैं। रेनिंग जा 400 निकली, हम भी भगाएंगे, हमारी गाड़ी भी भागती है और आज भगाने का पूरा मन है। ऑलमोस्ट 150 टच करेंगे आज हम।
100 हमें लीड कर रही है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें पावर ज़्यादा है तो वो लीड करेगी ही करेगी। अब आगे आपको देहरादून का टोल गेट देखने को मिलेगा, जो कि है टोल यहाँ का। तो बाइकर्स के लिए तो कोई टोल नहीं होता, फ्री होता है। तो गाइस कल मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ सुनी है अपनी लाइफ की, कि किसी ने बहुत ही सही चीज़ कही है कि सपने अपनी औकात से बाहर के देखने चाहिए। अगर औकात के अंदर आप सपने देखें तो फिर वो सपने किस बात के? औकात से बाहर के सपने होंगे तभी तो उन्हें पूरा करने का जज्बा होगा इंसान के अंदर। तो गाइस आ गए हम इस टाइम हर्रा वाला, और अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। तो इस टाइम निंजा 400 सबसे आगे है, ऑलवेज हमेशा चलती ही है, क्या कहना। बट और ये निकली एमटी वाले भैया भी आज धक्कड़ हो रहे हैं, भगा रहे हैं गाड़ी। तो गाइस इस टाइम हम हर्रा वाला से थोड़ा सा आगे जाके जो रास्ता कटता है मसूरी के लिए, उस वाले रास्ते पे हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप, मसूरी है 41 किलोमीटर और धनोल्टी है 61। तो हम जा रहे हैं द लाई हिल्स, तो वो थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। तो बाकी दो राइडर आगे चल रहे हैं और हम दो पीछे, तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस हम सही रूट पे हैं, अभी मैंने बोर्ड देखा तो ये रास्ता मसूरी जाता है। तो इस टाइम मैं लीड कर रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये रास्ता ही मसूरी को ले जाता है और ये वाला शॉर्टकट है। यहाँ पर आप बोर्ड देख सकते हैं, ये वाला बोर्ड लगा हुआ है और लिखा हुआ है आगे रास्ता बंद है। तो ये शॉर्टकट रास्ता है, तो चलिए चलते हैं इस वाले रास्ते से। तो ये सीधा आपका मसूरी रोड पर कनेक्ट होता है। थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है वाला रास्ता, और बाइकर्स के लिए तो ये रास्ता है, लेकिन जो फोर व्हीलर वाले हैं उनके लिए नहीं है। सो एक बार आप ये रास्ता देख लीजिए। इस रास्ते से आ जा चुका हूँ, तो देख सकते हैं इस वजह से ये कार के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग हो रखी है। तो जहां भी मौका मिले वहां विलियां उठाई जा रही है। तो चलिए गाइस मैं लीड करता हूं, क्योंकि इनमें से ऑलमोस्ट सेम रास्ता है जो आपका रायपुर से आता है। अगर आप जाना चाहे तो रायपुर से भी आ सकते हैं, और वैसे डोई वाला होकर भी। हम रायपुर से इसलिए नहीं आए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मोड़ है, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है वहाँ पर। सो इस वजह से तो चलिए गाइस आपसे आगे मिलते हैं। तो गाइस इस टर्न के बाद जाना है हमें ऊपर यहाँ से, और हम एंटर कर गए हैं मसूरी रोड पर।
तो इस टाइम रोड थोड़ी सी गीली है यहाँ पर। लेकिन क्या रोड है गाइस, बहुत ही अल्टीमेट रोड है, बहुत ज़्यादा। ये वाला टर्न देखिए आप, बिल्कुल यू शेप में टर्न है, बिल्कुल यू शेप में। तो मैं बाकी राइडर्स की लीन एंगल दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं कितना लीन करना पड़ रहा है गाड़ी को। तो मसूरी, धनौल्टी और चंबा, गंगोत्री, ये सारी जगह जाता है रास्ता ऑलमोस्ट। तो इस टाइम ऐसा लग रहा है पावर की बहुत कमी है गाड़ी में। और रोड है थोड़ी गीली तो इसलिए थोड़ा लीन हम कम करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं कितनी गाड़ियां कितनी लीन हो रही है। तो ये ऐसे टर्न है कि हम चाहकर भी ज़्यादा स्पीड पर नहीं ले जा सकते। और यहाँ से देख सकते हैं आप, अभी Z900 गई है, पता नहीं कैमरे में आई होगी कि नहीं, बट उसमें एग्जॉस्ट नहीं लगा होता तो साउंड नहीं थी। तो गाइस अब टोल भरने के बाद हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। या गाइस यहाँ पर एक और छोटा सा वाटरफॉल आते हुए देख सकते हैं आप ये रहा। तो आज ही सुबह गाड़ी धुलवाई थी और गंदी हो गई होगी ये। तो देख सकते हैं एक झरना ये रहा, क्या मस्त झरना लग रहा है। एक बार आप यहाँ से नज़ारा देखिए, क्या मस्त नज़ारा हो रहा है नीचे का, देहरादून बहुत ही अल्टीमेट। तो यहाँ पे एक आधी पिक्चर ले लेते हैं हम। तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस आ गए हम मसूरी रोड के एक कैफे पे। तो ये हमारे साथ कुछ राइडर आ रखे हैं और ये हमारा आज का लाइनअप है, देख सकते हैं चार गाड़ियां आ रखी है। तो चलिए इस कैफे में अंदर चलते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। तो गाइस दलाई हिल्स रह गया यहाँ से 20 किलोमीटर, तो चलिए चलते हैं दलाई हिल्स। तो मसूरी रह गया यहाँ से 13 किलोमीटर। राइडर्स आ रखे हैं। तो रोड की हालत इस टाइम बहुत ख़राब है मसूरी में, बरसात के टाइम देख सकते हैं लैंडस्लाइड हो रखी है दूसरी, और यहीं पे एक तीसरी बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी आराम से जाना पड़ेगा और रोड टायरों पे लग गया इस टाइम कीचड़, तो थोड़ा स्लोली ताकि टायर स्लिप ना करें।